शानदार अनुभव, एक शानदार बस अड्डे का। देख के लगता ही नहीं कि भाई बस अड्डा है, अंदर में फुल टूप एसी है। एक बढ़िया ग्लो शाइन बोर्ड जिससे कि कौन सी बस कहाँ जाएगी वो दिखाई पड़ता है। हाँ तो चलिए थोड़ा सा अंदर से भी देख लेते हैं। अंदर से देखने में बहुत शानदार लग रहा है। पुराना बस अड्डा भी ठीक ही था जिसे तोड़ दिया गया, लेकिन जब ये बन के सामने आया तो भाई होश उड़ गए। बहुत ही शानदार एक अनुभव अभी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से एसी बसों का ही संचालन हो रहा है और जल्द ही शायद लोकल बसों का भी शुरू हो जाए। और प्लेटफॉर्म्स को ठंडा करने के लिए स्प्रिंकलिंग एसी का सहारा लिया गया है। इसमें हल्के फुहारे से एसी की हवा को डाला जाता है कुछ हल्के वेपर के साथ में, तो प्लेटफॉर्म ठंडे रहते हैं। और बाहर का तापमान लगभग 37 डिग्री के आसपास में है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के नीचे आते ही ये तापमान बढ़ते हैं। सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो इसका टॉयलेट है। क्या बताएं, कितने दिन बचता है पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल में गजब का बना है। चलते हैं, थोड़ा हाथ धोते हैं। ये कैसे चलेगा, इसमें टोटी भी नहीं दिख रही। दबा देते हैं, बंद कैसे होगा, बंद ही अपने आप हो जाएगा। हाँ मैंने थोड़ा सा बाद में यूज़ किया था, बंद हो जाता है। थोड़े से पानी भाई, ये किसी 5-स्टार होटल का वॉशरूम नहीं है, बस अड्डे का है। और रात में तो इस बस अड्डे के क्या कहने, देख के ही शानदार लगता है, बहुत ही शानदार। लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, सारी बल्ब LED हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विद्युत कंजप्शन नहीं है। कोशिश में आगे है बस अड्डा की हम जो है से सोलर से चलाए। ऑफिस में भी हुई थी और कौन से होटल हम लोग रुके थे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिलहाल अभी निकलते हैं, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको ये बस अड्डा पसंद आया हो तो हमें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।